शिवलिंग मेरे सामने दिख रहा है, इतना बड़ा है कि मेरे को दिख नहीं रहा है वहाँ से। यहाँ से यार आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें चारों तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई दे रहा है। और आप भी यहाँ पर ला करके स्थापना करवा सकते हैं, पूरे दुनिया में से कहीं से भी आइए आप यहाँ पर स्थापना करवा सकते हैं। तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है हर ब्लॉग की तरह। अभी को जिस ब्लॉग में हम जो लोग जाने वाले हैं, एक प्रसिद्ध बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कर्नाटक का, और जो कि कोलार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मुख्यालय से दूरी इसका तकरीबन 80 किलोमीटर है। तो वहाँ पर हम लोग जाएँगे, कोटिलिंगेश्वरा उसका मंदिर का नाम है जहाँ पर हम लोग जाएँगे। आपको हम बता दें, कोटिलिंगेश्वरा मतलब 1 करोड़ लिंग है वहाँ पर, शंकर जी का 1 करोड़ लिंग है। तो आपको वहाँ पर नज़ारा दिखाते हैं, वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, हमारे यूपी एमपी बिहार से भी आते हैं और फॉरेन कंट्री से भी आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और आज का मौसम देख ही रहे हैं साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे, ये है किस तरह से मौसम है। और ये विशाल है और सृजन है, और ये मालूर स्टेशन, हम यहाँ से जाएंगे भंगारपेट से बस पकड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। Later. फाइनली हम लोग भंगारपेट जंक्शन पर पहुंच चुके हैं, हमारी ट्रेन है। और यहाँ पर सृजन है जो कॉफी पी रहा है। ए, दिखाओ भाई, विशाल किधर गया? वो पीने गया। क्या पीने? समझ रहे हो आप? बादाम हाल। आई एम सॉरी बाबू। ओके ओके, पैसा देगा, पे करना भैया ना। ओके ओके, इधर स्कैनर लगा हुआ, हम पे करेंगे इसमें। हालांकि ये चाचा हिंदी बोल रहे हैं यार, बहुत अच्छी बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ये कुछ दूसरा ही दिखा रहा है। विशाल, लुक योर स्टाइल, बहुत बहुत अच्छा स्टाइल। हमारा अंग्रेजी बहुत अच्छा है यार, हम अपने अंग्रेजी के फैन है। अंग्रेजी। और ये लोग, हम ये छोटा वाला बैग है ना, इधर टांगे हैं। स्टाइल है बाबू भैया, राजू बस स्टैंड, वहाँ से बस पकड़ेंगे। 15 किलोमीटर यहाँ से दूरी है कोटिलिंगेश्वर की। तो चलिए मिलते हैं बस स्टैंड पे। तो ये है हमारा स्टेशन, और यहाँ से आप निकलोगे तो यहाँ पर बस स्टैंड के लिए रास्ता है। आओ विशाल, कम। हालांकि हम भी पहली बार ही आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज है दोस्तों की वजह से। यहाँ पर सीधे जाएंगे तो यहाँ सीधे राइट जाएंगे तो बस स्टैंड उधर ही है, बस 200 कदम और दूर है। हम मालूम है, आपको मत सिखा। चल, इधर स्टेशन है हमारा, वहाँ से बस स्टैंड पे आए हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये घड़ी है, घड़ी जैसा लोगो है कुछ, और यहाँ पर बस खड़ा रहेगा। ये बस जाएगा नहीं, दूसरा बस जाएगा, और यहाँ पर बस खड़ा रहेगा, उसको पकड़ के आपको जाना है कोटिलिंगेश्वरा बोल के, वहाँ कंडक्टर से पूछ लेना है। और ये पूरा स्टेशन अपना बस स्टेशन, आगे विशाल और सृजन है, हम पीछे हैं, और यहाँ से ये रास्ता जाएगा। यार गाइस, कितना परेशानी हो रहा है, देखो लोग कहाँ बैठे, ऑटो में बैठे जा रहे हैं। बस मिल नहीं रहा था, बस आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए हम सोचे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बारिश भी हो रहा, मौसम भी ख़राब है, तो इसके वजह से हम लोग ऑटो में बैठ के जा रहे हैं। वो भी पीछे, चलिए आपको मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ यहाँ। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने देव स्थान पर, और ये गेट है कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको, यहाँ पर ड्रॉप करेगा, यहाँ से अंदर जाना है आपको। चलिए लेके चलते हैं मेन गेट पर हम। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर आप आए और देख सकते हैं भीड़ क्या है। आज तो थोड़ा कम पब्लिक है, अभी कुछ थोड़ा सा मौसम ख़राब है, और यहाँ पर हम लोग अपना चप्पल निकाल रहे हैं। 5 रुपये लग रहा है ना, एक सेट का 5 रुपये लगेगा। यहाँ पर चप्पल निकाल करके आप देख सकते हैं, चप्पल निकाल दिए हम लोग, यहाँ से जाएंगे। थोड़ा सा टिकट भी लेंगे, एंट्री टिकट लगेगा है ना। हाँ, टिकट लगेगा, वो 20 रुपीज़ शायद है उसका कॉस्ट। हाँ देखो, टिकट काउंटर 20 रुपीज़ आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से हम टिकट लेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे, फिर वहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे टिकट लेने, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और बहनी है भाई, भैया था का बहनी में। मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या 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 क्या
क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? देख नहीं पाया उसको। ये हमारा टिकट है, देखो कुछ कन्नड़ में लिखा है, मेरे को मालूम नहीं। यहीं से स्टार्ट होता है स्त्रीलिंग का, और ये मेन गेट है एंटर करने का। यहाँ पर टिकट देंगे हम, उसके बाद अंदर जाएंगे। और यहाँ से आप क्या कितना गिनेंगे भाई, कितना देखेंगे, कितना स्थापना हुआ है आप देख भी सकते हैं। और आप भी यहाँ पर ला करके स्थापना करवा सकते हैं, पूरे दुनिया में से कहीं से भी आइए आप यहाँ पर स्थापना करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ का एक रूल्स है कि आप ओनली ब्लैक शिवलिंग आप ला करके यहाँ पर स्थापित करवा सकते हैं, प्योर ब्लैक, वाइट वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ का ये सिस्टम है जो जहाँ तक मुझे मालूम है। और यहाँ से मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी केवल शिवलिंग ही शिवलिंग दिखेंगे आपको। और आगे एक बहुत ही भव्य है, बहुत ही बड़ा, वो आपको मैं दिखाऊंगा। बारिश हुआ है ना यहाँ पर, बोले तो सिपल रहा, बोले तो सड़क रहा है, फिसल सकते हैं। और ये गेट है, छोटे छोटे मतलब 10-10 कदम पे गेट लगा हुआ है। कन्नड़ में कुछ लिखा भी है, हमको नहीं मालूम उतना भाई, हिंदी तो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, कन्नड़ कहाँ से पढ़ पाएंगे। जो ये आपको पेड़ दिख रहा है, यहाँ पर आप अगर मन्नत मांगते हैं और कुछ यहाँ पर धागा बांधते हैं तो आपका मन्नत 100% पूरा होता है। अगर आप आए तो यहाँ पर अपना मन्नत मांग सकते हैं, कुछ भी हो तो पूरा होना ही होना है। आप देख सकते हैं कितना धागा लगा हुआ है, और ये पंडित जी है बगल में, देते हैं वही धागा और यहाँ पर आकर के बांध सकते हैं। हालाँकि हम भी बांधने वाले हैं आज, हमारा क्या मन्नत हो हम आपको बताएँगे। यार गाइस, हम लोग यहाँ पिछली बार में एक फ़ोटो लिए थे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा शायद, और ग्रुप में फ़ोटो लिए थे। आज तो 3 ही लोग आए हैं, वो देखिए कैसा फ़ोटो था। और यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे, और अंदर एक जाएंगे बहुत ही बड़ा, बोले तो भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है यहाँ पर है, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। वो ये देख सकते हैं आप, ये शिवलिंग मेरे सामने दिख रहा है, इतना बड़ा है कि मेरे को दिख नहीं रहा है वहाँ से, यहाँ से। और जस्ट उसी के सामने नंदी भगवान का भी है, नंदी भगवान का कुछ इस तरह से दृश्य दिख रहा है आपको। ये ऐसा मनाया गया है कि वो शिवलिंग को देख ही रहे हैं, मतलब शंकर जी को देख ही रहे हैं। और यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे, और उधर से आपको दिखाते हैं, ये देखिए पीछे का साइड है ये, अभी हम आपको फ्रंट साइड से दिखाते हैं। शहर मित्रों, आप देख सकते हैं इस समय मैं कोटिलिंगेश्वरा में, जो कि कर्नाटक स्टेट में है और ये कोलार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मुख्यालय से इसकी दूरी 80-85 किलोमीटर है, और ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप आकर के अपने शिवलिंग का स्थापना करवाते हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर सभी डिटेल्स में लिखा जाएगा, आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं, और किस ज़िले से आए हैं, किस स्टेट से आए हैं, सब यहाँ पर डिटेल्स में लिखा जाएगा, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। यार आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें चारों तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं भाई। और आप लोग कमेंट में जयकारा ज़रूर लगाइएगा हर हर महादेव का, ये आपसे रिक्वेस्ट है, विनती भी है। और देखिए आप, पब्लिक कितना है, बारिश भी हो रहा है, मौसम भी ख़राब है, लेकिन पब्लिक यहाँ पर आना बंद नहीं हो रहा। हम लोग शनिवार के दिन आए हैं, सोचिए शनिवार के दिन इतना पब्लिक आ रही है, इतना भीड़ है, इतना भक्तों की मेला लगी हुई है समझो एकदम, तो सोमवार के दिन कैसा होता होगा। और यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग और है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये उससे छोटा है थोड़ा सा साइज में, हाँ उससे छोटा है यार। और ये देख सकते हैं आप, सेम उसी डिज़ाइन में बनाया गया है। और यहाँ पर भी नंदी बाबा देख रहे हैं भगवान शंकर को, और त्रिशूल भी लगा हुआ है बीच में। और पिछली बार हम लोग आए थे तो वहाँ पर वीडियो शूट किए थे, रील्स वगैरह शूट किए थे, इस बार वो लोग दोस्त नहीं आए हैं। ये देखिए आप, और नंदी बाबा के चारों तरफ से शिवलिंग ही शिवलिंग स्थापित किया गया है।
यहीं से हम लोग शूट किए थे, अभी पिछली बार रील्स आए थे तो शूट किए थे। यहाँ पर हमारा दर्शन वगैरह हो चुका है, जो भी होना था पूजा पाठ सभी कुछ हो गया है और बारिश हो रहा है तो इसके जय महाकाल, जय महाकाल। बारिश हो रहा है तो इसके वजह से हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, बिकॉज काफी दूर जाना है हम लोगों को, 50 किलोमीटर तो हो गई हमारे मालूर का डिस्टेंस यहाँ से, तो बस वगैरह ट्रेन वगैरह में दिक्कत होता है। और अभी जाएंगे थोड़ा सा मार्केटिंग करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पर छोटा सा मार्केट लगता है, कुछ परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं, कहीं अंदर ही है पूजा पाठ के लिए या फिर बच्चों के टॉयज वगैरह खिलौने वगैरह और सभी परचेस कर सकते हैं, दिखाते हैं मैं आपको। आप प्रसादी वगैरह भी ले सकते हैं जैसे रूम पे जाने के लिए, घर पे लेके जाने के लिए। ये क्या है भाई? ये कुछ कुरकुरे है, 40 रुपीज़ का। कुछ भी हो प्रसाद ही है, ये लड्डू है, ये 40 रुपीज़ का, ये 60 रुपीज़ का शायद, और ये 70 रुपीज़ का। 90 100 ठीक है भाई, कुछ भी ले लें ये लोग। अच्छा हमको सिखा रिया है भैया, दे दो इसमें से, इसमें से दो ले ले दो। प्रसाद हो चुका है, यहाँ से लेके जाएंगे। और ये कुछ खिलौने की दुकान है बच्चों के लिए जो आप ले सकते हैं, यहाँ फोटो वगैरह भी मिलते हैं। और ये छोटा सा मार्केट है आप उसके लिए। A few inches later. वैसे यार आप कर्नाटका का खाना देख सकते हैं किस टाइप का रहता है यहाँ पर। ये तो भाई मेरे को लग रहा है भटूरा है, और ये चावल है, दो समझ में आ रहा है, ये हलवा है और एक सब्जी है किसी चीज़ का मालूम नहीं, और ये कर्ण है, कर्ण बोले तो दही, और पता नहीं क्या क्या है, इनको देखो। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और ये अबे लौड़े अपना काम कर भाई साहब, देखो भगवत भगवत कर रहे हैं, खाने को बहुत जल्दी है। ये है कर्नाटक का खाना, अगर आप कभी आएंगे तो इसको चखिएगा जरूर। नाइस। अभी हम लोग खाना खाने आए थे और ये बस स्टेशन के सीधे सामने है, फ्रंट में है, और ये बेलू होटल करके कोई होटल है, और यहाँ पर अच्छा खाना दिए हैं, कर्नाटक का खाना बहुत अच्छा है लगता है मुझे बहुत पसंद है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू सून।